गजब हाल है, तुमको कलर भी नहीं दिख रहा आजकल। ऊपर कहाँ निकल रहे हो? हाँ, जोधपुर। कितने देर में तय करोगे? चलो भाई, गाड़ी तो पार्क कर दिए, खुला पार्किंग में इतना टेंशन थोड़ी ना है। अन्या का छुपा रही है ना, ये जो वाला क्या ही करेगी, ठीक है ना? देखो मम्मी देख रही है हम लोग का वीडियो। क्या बना रही है सिंपी? क्या बना रही है? Hey guys, good morning, welcome back to the vlog. अभी जा रहा हूँ मैं मंदिर साफ करने, अभी नहा के फिर करूँगा पूजा और निकलूँगा बाहर सब्जी लाने के लिए। अब मम्मी hates कि वो नाइटी में दिखे। हाँ ठीक है, नहीं दिखा रहे भाई, तुम जाओ ना। चलो नहा लिया ना, जाता हूँ पूजा कर लूँ, ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे रिलायंस सामान लेने के लिए। फूल तोड़ ले, इतना प्यारा फूल खिला है ना, देखो आज यार गर्मी कितना कड़ाकेदार हुआ है, देखो धूप बहुत तेज है। ये फूल चढ़ा लेंगे। चलो इडली खा लिया जाए। सांबर अच्छा है? हाँ बहुत अच्छा टेस्ट है। चलो मौसा, मौसा इसके मुंह पे जाए। पापा को बोलना होगा वो सांभर पाउडर ले आने। देखो क्या मस्त खतरनाक कॉफी बनाए हैं यार। वैसे कॉफी सिंपी ही की है, हम तो बस काम कर रहे हैं। बहुत गाढ़ा कॉफी है, डार्क कॉफी पीने के बाद ही पता चलेगा एक्चुअली दूध जो है वो तुम्हारा कड़ गया, दूध कड़ा गया है थोड़ा। देखो पी के मस्त कड़क कॉफी होगा। मस्त कॉफी है। हाँ मस्त है। चलो यार मिलते हैं हम आपसे नीचे, गाड़ी निकाल के लाते हैं। चलो अरे यार ये वाइपर भी तो नीचे करना होगा। चलो भैया गाड़ी लगा दी, सिंपी को बुलाता हूँ मैं। 5 मिनट हो गया बोले हुए, अभी तक आई नहीं। चलो यार थोड़ा इसको भी खोल देना, थोड़ा व्यू सही आता है। नहीं आ गई क्या जी? गजब हाल है, ड्राइविंग सीट पे बैठना है इसको। हम बोले ड्राइविंग सीट पे बैठना है क्या? हम पता है पीछे वाली गाड़ी में जाके देख रहे हैं। अरे हम तुमको क्या बोले, कल जहाँ से बैठे हैं वहीं पे आने। वो भी सर क्रेटा ही था, तो फिर यार ये तो इसका सीट वाइट है, अपना तो ब्लैक है। गजब हाल है, तुमको कलर भी नहीं दिख रहा आजकल। रोड आज खाली है दोस्तों, दिख ही नहीं रहा है, गाड़ी पता ही नहीं चल रहा है गुड़गांव, वरना इस एरिया में तो ऐसा ट्रैफिक रहता है। देखो भरपूर भरपूर एकदम खाली है सड़क, अपने आगे एक ऑटो बस दिख रही है, पूरा खाली है। ऐसे में सड़क पे भी निकल रहा हो ना ड्राइव, तो ऐसे भी मजा आता है। खाली रोड पे ना? हाँ मतलब अच्छा ही लगता है, कहीं कुछ दिखा खा पी लो, कुछ कर लो, बस ऐसे ही वो भी मजा आता है। है तो मन बहुत जाने का, मेरा तो मन नहीं, डरते डरने का बात क्या है, चल ही लीजिएगा। गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है, बेसमेंट में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, आज इधर खाली मिल गई। तो जगह यहाँ पूरा आज खाली था क्योंकि सारे वीकेंड है, लोग निकले हुए हैं, जगह भी खाली है, तो आज सौरभ को बेसमेंट में जाके लगाना ना पड़ा। देखो यहाँ पे मस्त गाड़ी लग गई है। चलो अब एक और अंकल वहाँ पे लगा रहे हैं। चलो नहीं हम देख रहे गाड़ी सही पार्क हो गया ना, सब्जी लेने चला जाए, फ्रेश एंड ग्रॉसरीज। क्या बारिश, तुम्हारा गुड़गांव में ना धोखा बहुत होता है इस चीज का। वाह सुपर,
कहाँ निकल रहे हो? हाँ, जोधपुर। कितने देर में तय करोगे? आप बताओ पहले, कितना दूर है यहाँ से? 600। एंड व्हाट इज योर एस्टिमेट? अभी खाओगे ना कहीं जाके पराठे वराठे? खा लिया इधर? ऑल द बेस्ट, लवली, सुपर्ब, जबरदस्त। चलो यार, अच्छा है बाबू गोशा। नख नहीं है क्या? अचार सिंपी के लिए कितना भी ले आओ कम होता है। हो गया, चलो यार, सारा सामान डाल दिया, चलें। हाँ चलो यार, चल। मेरी गाड़ी फंसी हुई थी तो एक्चुअली गाड़ी दो लोग एकदम ऐसे लगाए हुए थे ना कि निकालना मुश्किल था, पर अभी चलो निकल गया। एक भैया हेल्प कर दिए, बहुत मस्त। हाँ, क्योंकि हमको भी समझ में नहीं आ रहा था ना। बहुत हाँ, डिफिकल्ट था जिस तरह से वो लोग गाड़ी लगाया हुआ था। ऐसे लगाए ना, किसी को सेंस ही नहीं है, जैसे मन वैसे लगा लेता है। वही बात है, क्या बोलेंगे। ठीक है, वो भी एक्सपीरियंस करना जरूरी है ना। लोग तो मिलेंगे, चलाना हम लोग को है और लगाना वो, जैसा रास्ता जहाँ जगह सब में हैंडल करना है। चलो सामान ले लिए। काला चश्मा पहन के सब्जी खाने गई हूँ मैडम। हाँ, मामा से बोले हम लोग गए तो क्या डॉक्टर मामा से बात हो रहा था। हाँ, डॉक्टर मामा से बात हो रहा था। हाँ, डॉक्टर मामा से पूछी। हाँ, डॉक्टर मामा, अब मैं 6 साल की हो गई हूँ और मुझे वैक्सीनेशन लेना है, तो इंजेक्शन लेने में कोई डर का बात नहीं है? देखो, ऐसे लगेगा। मामा बोला नहीं, कोई डर का बात नहीं है। अपना ही हाथ में करके देखो, बस ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। मुझे वैक्सीन ही दिलाओ, दिलाओ तो दिलाओ, चलो वैक्सीन दिलाते हैं। तो इसको मन है अब वैक्सीन का, तो अब चल ले। हाँ चलो, तब गाड़ी नीचे लगाए हुए, चल आ जा, चलो वैक्सीन दिलाने। चलो भैया चले। हाँ। पक्का? हाँ। चलो, हम की डॉक्टर बुला लें, बगल में ही है, बुला लें। देख लो, बोलने के लिए इनको पूरा है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जाने के वक्त में इनका इनका बैंड बज जाता है। जा रहा हूँ बनाने टमाटर शिमला मिर्च आलू की सूखी वाली सब्जी। ये देखो कैसे ट्वेस्ट सब बिखेरी है आन्या, और खाना खाते खाते उसको अचानक खाना खाई उसके उसको उल्टी हो गया, और उसका तबीयत भी डाउन है वेदर के हिसाब से भी, और कल बाहर गई थी तो कुछ उधर खा ली थी मैगी वैगी, तो मेरे को लगता है वो पचा भी नहीं है, अपच हो गया थोड़ा उसको, पानी भी कम पीती है दोस्तों, तो अभी थोड़ा उसको दवा ववा देखे इलेक्ट्रोल बॉटल पिला के सोने के लिए बोली हूँ। सौरभ के साथ सो रही है, थोड़ा रेस्ट कर रही है। और देखो यार, 4 बज गया है, तो लेट से नाश्ता भी हो था, मैं बाहर से आई तो सारा काम वाम करके अभी जा रही हूँ खाना खाने के लिए। तो चलो आपको खाना खाते हैं, दाल चावल और ये सब्जी बनाए शिमला मिर्च और आलू का। सौरभ सब्जी बना दी है, मैं दाल चावल बना दी, तो फिर लेट भी नहीं हुआ, फटाफट बन गया। Hey guys, अभी निकल रहे हैं एरिया मॉल। कुछ सामान था जो सिंपली को रिटर्न करना था, उसके बदले में कुछ लेगी, तो चलो अभी निकलते हैं मॉल। प्लान तो दोपहर में ही जाने का था, बट हमें लगता है थोड़ा सा हम सो गए क्योंकि सिंपी भी थक गई थी। अब निकलते हैं, इसको खोलो, लगाओ, देखो कहाँ लगाएगी। लगाते हैं, लगाइए। चलो दे, अभी तो आज तो वो एरिया वाले इलाके में जो बादशाहपुर वाला सब्जी मंडी, वहाँ जाम ना मिले। देखो फिलहाल निकल तो गए हैं, बारिश वाला भी वेदर हो रखा है, कब बारिश आ जाए। तो बारिश नहीं लग रहा होगा, नहीं ना। तो मैं सो के उठ के आ रही हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर रही है, सो रही थी, थोड़ा देर लंबी आधे घंटे का नैप लिए, थक गए थे आज बहुत काम करके, तो अभी आवाज़ में भी ना वो भारीपन लग रहा है, जैसे नींद से उठ के तुरंत जो घर का टी शर्ट पहने थे वही उठे और निकल लिए, बाल बाल झाड़े बस। तो चलो चलते हैं, अभी वेदर बारिश ना हो, बस बारिश होता है तो बहुत खिचखिच हो जाता है दोस्तों, वेदर ऐसे ठीक है। चलो चलते हैं, वहाँ मिलते हैं आपको एरिया मॉल में से।
जब बारिश हो जाता तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, कहीं भी अच्छा नहीं लगता है, कहीं भी जाने में अच्छा। मेरे को तो बहुत पसंद आता है बारिश हो जाए और गाड़ी में हो तो मन निकल गया। गाड़ी में हो ठीक है, तो और पता नहीं वो किचकिच किचकिच कैसे चलाते हैं इतना तेज इस सड़क पे। पार्किंग बेसमेंट पे जा रहे हैं मॉल का, अभी देखो ना इधर ही इतना जाम लगा हुआ है, बहुत गाड़ी है यार, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा। मॉल का पूरा ओपन पार्किंग किया हुआ है, बढ़िया है एक्चुअली, बस बारिश हो तो थोड़ा दिक्कत है ना। छाता लेके आई? छाता नहीं, रास्ता गिजमिज गिजमिज हो सकता है पूरा। वो ठीक है, ठीक है, इधर ही लगाइए। चलो भाई गाड़ी तो पार्क कर दिए, खुला पार्किंग में इतना टेंशन थोड़ी ना है। हाँ चलो, छाता है कहाँ है, चलो ताकि बारिश हो तो पता चला कि बेसमेंट हम सोच के आते अंदर है भीम के घर में पूरा बैठते हैं। हाँ अरे बाप रे बाप। हाँ तो पीछे का बैक साइड का रास्ता तो ऐसा ही ना होगा, जहाँ आना था वहाँ पहुँच गई वेस्ट साइड। हाँ कस्टमर सर्विस डेस्क जाना होगा ना। चलो भाई नेक्स्ट लेवल भीड़ लगा हुआ है, रोज रहता है यहाँ पे तो जब आओ तब भीड़ रहेगा। क्या मेरा टॉवेल खिया गया है यार, क्या है हाँ एक बार देख लो ना, और कार का कुशन भी लेना है क्या? बाबू को आके लेके आके हो नहीं पाता, रोज घबराते। चलो आओ, क्या यही होगा ना 60%, पता नहीं पूछो ना। गाड़ी के लिए कंबल भी रखना है क्या? ठंडा लगता है, आन्या बोलते रहती है। आन्या के लिए कुछ लिए हैं वो यहाँ पे गिफ्ट रैप करा रहे कि उसको पता ना चले। कर दिया ये देखो, ये एक बाउल और कर दो इसको। चलो निकले घर के लिए। हाँ आन्या के लिए भी सरप्राइज तो है, कल बहुत सारा वैसे सरप्राइज है उसके लिए। मम्मी के लिए चप्पल लेना था, चप्पल ले लिया। चलो घर पे दिखाते हैं मम्मी के लिए क्या लिया। हाँ थोड़ा इधर शोर शराबा भी बहुत है, और फिलहाल सेल लगा हुआ है बहुत जगह पे, यहाँ लगा है इधर भी लगा हुआ है। हाँ सिर्फ बाहर से है और एक गंडोला में है खाली सेल। चलो भैया ब्रिज क्रॉस किया जाए गाड़ी लाने के लिए। ये रही अपनी गाड़ी। चलो भैया मस्त बड़का पार्किंग लॉट है भाई। लो भाई सामान रखे, अभी तक देखो हम लोग पॉलीथीन भी नहीं निकाले अपने गाड़ी का। अन्य का छुपा रही है ना, ये जो वाला क्या ही करी छुके। ठीक है ना, धूल बहुत है ना नीचे, मिट्टी मिट्टी वाला है। चलो गाइस अभी फाइनली इस जगह पे ट्रैफिक नहीं दिख रहा है, तो अभी घर पहुंच जाएंगे। आगे मिलेगा हा? आगे ना मिले तो अच्छा, ऑलरेडी लेट हो चुका है। अब कह रहे तो जो भी छोटा बच्चा सामान था वो सब लेके आ गया। नहीं मिलेगा, अभी रात हो गया इस टाइम पे, नहीं मिलेगा 8:30 बज रहा है। बच्चे लोग छोटा छोटा गिफ्ट देना चाहिए, खास करके लड़की लोगों को तो इसको बिल्कुल देना चाहिए। एक राखी है भाई राखी में उसको तो उसका जो खुशी है ना वो छोटा चीज का ही खुशी, वो हमको देखना उसको। बच्चा लोग को देखो बड़ा चीज नहीं चाहिए गिफ्ट, उसको छोटा छोटा ही दो, बच्चा उसमें खुश होते रहता है, अच्छा लगता है। अरे अपने को लोग को भी तो अच्छा लगता है, वही बात है कि नहीं। बच्चा छोटा घर में कहते भी है बच्चा। कल राखी का टाइमिंग क्या है वैसे? कल राखी का टाइमिंग ऐसे तो दोस्तों 1:30 बजे है, 1:25 से है। 1:25? हाँ 1:30 बजे से। देखो ट्रैफिक लग गया ना। चलो ठीक है, चलो दोस्तों से चल रहे हैं। बहुत दोस्तों ने कमेंट किया कि आप छोटे छोटे ट्रिप पे जाओ, तो देखो अभी एक्चुअली क्या है ना, मतलब ऑफिस का काम भी है, तो जब वीकेंड लंबा पड़े या फिर थोड़ा ऑफिस के काम से रिलैक्स हो सौरभ तो अभी तो बिल्कुल नहीं। अभी एक्चुअली बहुत हेक्टिक है ऑफिस का, तो देखो वैसे कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैं काम क्या करता हूँ, तो दोस्तों मैं हूँ सेल्स में और मैं ई कॉमर्स देखता हूँ।
तो निकलेंगे हम लोग, जल्द निकलेंगे, वो भी आपको वो ट्रिप बहुत अच्छा दिखाएंगे, पर थोड़ा सा अभी ऑफिस का ये सब देखते हुए, तो जो हमारा अभी रेगुलर का जो ब्लॉग है और जो आधे घंटे एक घंटे डेढ़ घंटे दो घंटे ढाई घंटे का जो जर्नी है वो तो अभी हम लोग कर ही रहे हैं, तो आप उसको एंजॉय करो। और जो लोग कमेंट करते हैं उन लोग को यार, जो मैं रोज़ बोलती हूँ उन लोग को दिल से थैंक यू हम दोनों की तरफ से, और बहुत सारा ढेर सारा प्यार, आप लोग रोज़ कुछ कुछ कमेंट किया करो यार, वो कमेंट पढ़ के जो हमें खुशी मिलती है ना बहुत ज्यादा, वो आपको मतलब नेक्स्ट लेवल पे हम लोग को बता नहीं सकते, फीलिंग आता है भाई, आप लोग जब कमेंट करते हो ना तो आपके दिल में जो आता है वो लिखो दोस्तों। गाड़ी पार्किंग में लगा दे फटाफट सौरभ, क्योंकि थोड़ा आराम से शीशा खोल लीजिए, जगह खाली है। जब दो लोग गाड़ी लगा देते हैं ना अपने फ्लोर वाले, तो कोई तजिया लगा देता है, कोई कुछ लगा देता है। आज कैसा हुआ पार्किंग? आज हुआ है, आप निकल के देख लीजिए क्या टेढ़ा है। बोलिए, टेढ़ा है थोड़ा, फिर से आगे करके लगाएं। एक बार आप निकल के देख लीजिए ना ऐसे, ठीक। अरे मस्त तो लगाए बाबू, आज तो गजब पार्किंग की है, बहुत है। हम देखो ये मेरा जो येलो लाइन है ना, हम इससे एकदम अंदर में, आज तो गजब लगाए सिंपी, थोड़ा थोड़ा लगता है आइडिया लग रहा है हमको। चलो हम नहीं आएंगे कल से, चलो देखते हैं, थोड़ा फटेगा बट कोशिश करेंगे। अन्या तबीयत ठीक है बेटा तुम्हारा? चलो बहुत बढ़िया, दवाई खाई? हाँ तुम्हारे लिए कंबल ले लिए, दादी को दे दो ये लो, चाहिए था ना तुमको ये। हाँ क्या हैप्पी, इसमें गोलकी डाल के मस्त, एकदम कोई जरूरत नहीं, एकदम बढ़िया थुर थुरा के फूट सकती है। अरे ठीक है बेटा, देखें पहन के देखो पैर पे, ठीक है, यही कलर चाहिए था ना पीला। चलो और अन्या बाकी सरप्राइज है जो कल तुमको बहुत मिलेगा, एक दो नहीं मिलते जाएगा, ठीक। आलू पराठा से अच्छा है आलू का झोरखंड और पूड़ी, है ना, चेहरा पे एक अलग मुस्कान आता है पूड़ी के नाम पे, बहुत प्यारा बहुत सुंदर। पापा को दे दो, चाय बना रही है, बनाओ यार। देखो यार आज हो गया लेट थोड़ा, और अभी हम जा रहे हैं, मतलब जा क्या रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, ये आलू का झोरखंड। आप लोग भी सोच रहे हो झोरखंड मतलब क्या होता है, झारखंड से हो इसलिए झोरखंड। अरे नहीं भाई, झोर वाला आलू का सब्जी बना रहे हैं। कैसा बना है सब्जी? चलो यार हम भी खा लें सब्जी और पूड़ी।